जी महाराज। सभी महाबली राक्षसों, सेना नायकों और मंत्रियों को सभागार में उपस्थित होने का आदेश दो। जी महाराज। बस बहुत हुआ, अब मैं दिखाऊंगा सीता को कि राक्षसी शक्तियाँ क्या कर सकती हैं। माता, महाराज लंकेश ने जो किया वो। तुम चिंता मत करो त्रिजटा, रावण ने जो किया मैं विचलित नहीं हूँ उससे। मैं तो स्वामी के लिए चिंतित हूँ, कैसी होगी उनकी मनोदशा। आशा है वो सकुशल होंगे। ये अकस्मात तीव्र वायु प्रवाह, रावण कौन सी माया रच रहा है। प्रणाम देवी सीता। मैं वायुदेव, हनुमान ने मुझे ये प्रभु श्री राम की रुद्राक्ष माला लेकर भेजा। देवी, हनुमान ने प्रभु श्री राम का संदेश भी दिया है कि वो सकुशल लंका पहुंच चुके और रावण के साथ युद्ध के लिए तत्परता से उपक्रम में जुटे हुए। शीघ्र ही रावण के वध के पश्चात उनसे आपका मिलन होगा। वायुदेव, ये सूचना देकर आपने मेरे संतप्त हृदय को प्रसन्नता से भर दिया है, धन्यवाद आपको। हनुमान ने जो कहा था वो सत्य में ही कर दिखाया। ये रुद्राक्ष की माला मेरे प्रभु की ग्रीवा की शोभा। स्पर्श का आभास हो रहा है मुझे। हनुमान, सीता प्रसन्न है, अवश्य ही उन तक संदेश पहुंच गया है मेरा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। तुम बारंबार धन्यवाद के पात्र हो हनुमान, बारंबार। धन्यवाद कैसा प्रभु, मैं तो कृतज्ञ हूं कि आप मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं। आपके चरण रज ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है प्रभु। आप तो बस आदेश दीजिए कि मुझे और क्या करना है। हनुमान, अब हमें युद्ध की योजना बनानी आरंभ कर देनी चाहिए। युद्ध से पूर्व हमें अपने सैनिकों को उचित स्थान पर नियुक्त करना होगा और ऐसी व्यूह रचना बनानी होगी जिसे शत्रु कहीं से भी ना भेद सके। पिछली बार हमारी अवैध लंका के सुरक्षा चक्र को अनेक स्थानों से भेद कर उस एकमात्र वानर ने लंका में प्रवेश कर लिया था और अब वानरों की पूरी सेना लंका के बाहर खड़ी हुई लंका में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। इस
इसलिए आप सबके साथ रणनीति पर विचार करने से पूर्व हमें लंका की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना होगा। लंकनी और क्रौंचा की सुरक्षा व्यवस्था उस वानर की शक्ति के सामने असफल सिद्ध हुई, इसलिए अब भ्राता महोदर आप लंका के मुख्य द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। भ्राता लंकेश, मैं मुख्य द्वार पर विशाल स्वचालित सुरक्षा यंत्र स्थापित करूंगा जो स्वतः ही शस्त्रों, तीरों एवं आग्नेयास्त्रों की बौछार करने में सक्षम है। यही नहीं, मैं ऐसे विषैले राक्षस भी द्वारपाल के रूप में नियुक्त करूंगा वहाँ, जिनके स्पर्श मात्र से ही प्राणी की मृत्यु हो जाए। रावण अपने चारों मुख्य द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर रहा है, इसीलिए चारों द्वारों पर हमारे महायोद्धा नियुक्त होंगे जो उनका सामना तो करेंगे ही, साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने का भी प्रयास करेंगे। हनुमान, कौन योद्धा कहां नियुक्त होगा ये तुम निश्चित करोगे। लंका के पूर्वी द्वार पर महाबली, युद्धपति, नील, गंधमादन और सुषेण, इनके नेतृत्व में 1 कोटि वानर सेना नियुक्त होगी। युवराज अंगद की कड़ी निगरानी में सेनापति ऋषभ गवाक्ष, गज गवाय और उनकी 1 कोटि की सेना पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ेगी। और उत्तरी द्वार के लिए, उत्तरी द्वार पर मैं स्वयं अनुज लक्ष्मण के साथ स्थित रहूंगा, क्योंकि राक्षसों के अधिकांश आक्रमण उसी ओर से होने की संभावना है और हमारी सेना की इस टुकड़ी के मध्य स्वयं महाराज सुग्रीव स्थित होकर चारों ओर से पूर्णतया सुरक्षित रहेंगे। किंतु प्रभु, वे दक्षिणी द्वार से भी तो आक्रमण कर सकते हैं। राक्षसों की प्रवृत्ति पीछे से आक्रमण करने की ही है। महाबली प्रमाथी और प्रघास को दक्षिणी द्वार पर नियुक्त किया जाएगा और मैं चारों द्वारों पर दृष्टि रखूंगा। असुर श्री मायासुर, ये धूर्त वानर लंका के चारों द्वारों की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें परकोटों से दूर रखने के लिए आप लंका के चारों द्वारों के बाहर लावा उगलने वाली गहरी खाइयों का निर्माण कीजिए। ऐसा ही होगा लंकेश। यही नहीं, उन खाइयों में मैं भयानक और मायावी जीवों को भर दूंगा। इसने तो लंका के परकोटों के चारों ओर गहरी खाइयों का निर्माण कर दिया है। हनुमान, द्वारों के आसपास की ये खाइयां हमारी सेना के लिए बड़ा संकट बन सकती हैं। इनसे बचने के लिए हमें अधिक सावधानी बरतनी होगी। अवश्य प्रभु, लंका के गुप्तचर भी निरीक्षण स्तंभ से हम पर दृष्टि रखे हुए हैं। एक नेत्र वाले निरीक्षकों को हटा दो, वध कर दो उनका, वो योग्य और सक्षम है। प्रातः महापार्श्व, उनके स्थान पर योग्य और सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले निरीक्षकों को नियुक्त करो तो लंका से ही उन वानरों की सभी क्रियाओं पर सूक्ष्म दृष्टि रख सके। आप निश्चिंत रहिए भ्राता लंकेश, ऐसा ही होगा। होना सक्षम
एवं एक नेत्र वाले राक्षसों के स्थान पर मैं उन मायावी राक्षसों की नियुक्ति करूंगा जो मायावी दृष्टि भी रखते। तुम जैसे असमर्थ राक्षसों की इस लंका में कोई आवश्यकता नहीं। हटो। तीक्ष्ण दृष्टि वाले दानव नियुक्त कर दिए हैं निरीक्षण स्तंभ पर। हमें उनसे भी सतर्क रहना होगा। यही नहीं प्रभु, ये मायावी दानव आघात करने वाले शस्त्रों से भी सज्जित हैं। सत्य है विभीषण जी, उन राक्षसों के शस्त्रों में भय उत्पन्न करने वाली मुख्य शक्ति है मायावी अस्त्र, उनके विचित्र रथ एवं दानवी वाहन। उनके विभिन्न घुड़सालों में अनेक दानवी अश्व, हथशालों में कई सूंड वाले हाथी भरे पड़े हैं। उनके भूमिगत शस्त्रागारों में विष बूझे तीरों से लेकर अनेक दानवी मायावी अस्त्र, तीक्ष्ण धार वाली खड़क से लेकर तीक्ष्ण शूल तक, सुदृढ़ गदाओं से लेकर वज्र सामान मुसल एवं विकराल ढालों से लेकर महाविनाशक दिव्यास्त्र भरे पड़े हैं। वो सब है उन राक्षस सेना के पास जो शत्रु सेना के अंदर विकराल विनाश मचा सकते हैं, किंतु मैंने उनके मुख्य शस्त्रागार को जलाकर नष्ट कर दिया है। हमारे मुख्य शस्त्रागारों को, हमारे दिव्य अश्वों वाले घुड़साल को जला दिया है उस तुच्छ वानर ने। सेनापति प्रास्त, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि हमारे अस्त्र शस्त्र और दानवी अश्वों की संख्या हमारे भूमिगत शस्त्रागारों और घुड़सालों में बढ़ा दी जाए। मैं अभी जाकर अस्त्र निर्माताओं को बड़ी मात्रा में नवीन अस्त्र बनाने का निर्देश देता हूँ महाराज, जो उन वानरों के समूह का सहजता से संहार कर सके। और इसके लिए मैं दानव शिल्पी मयासुर की भी सहायता लूंगा महाराज। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु, रावण ने अपने अस्त्र निर्माताओं को नवीन घातक अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अवश्य लगा दिया होगा। उन महाघातक अस्त्रों को लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। हमारी वानर सेना की ढाल होंगी बड़ी बड़ी शिलाएं और उनके अस्त्र होंगे विशाल साल वृक्ष। उन राक्षसों के किसी भी अस्त्र से बड़ा अस्त्र है हमारे वानरों का उत्साह, आत्मविश्वास और आपका आशीर्वाद प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, प्रभु हमारी सेना युद्ध के लिए तत्पर और सज्जित है, आप आदेश दीजिए हमें कब युद्ध की घोषणा करनी है। हम रघुवंशियों का नियम है, हम सीधे युद्ध की घोषणा नहीं करते, युद्ध अंतिम विकल्प है। इसलिए हम रावण के पास पहले अपना शांति दूत भेजेंगे। इसके लिए हनुमान से उत्तम अन्य कोई हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, हनुमान ही उचित रहेंगे। हनुमान ही उचित रहेंगे। रावण की सभा में हुआ है। रावण की सभा से हनुमान सर्वोत्तम है इस कार्य के लिए। सर्वोत्तम है इसके लिए। हाँ हाँ, सर्वोत्तम है। हनुमान ही सर्वोत्तम रहेंगे। प्रभु, आपका कार्य करना तो मेरा परम सौभाग्य है, किंतु शांति दूत के लिए मैं उपयुक्त नहीं हूँ। मैं तो उनके नेत्रों में किरकिरी के समान हूँ। मुझे देखते ही उन राक्षसों को लंका दहन का दृश्य
स्मरण हो आएगा प्रभु। रावण अपने पुत्र और महाबली योद्धाओं के संहारक को देखते ही भड़क उठेगा प्रभु। फिर शांति वार्ता कैसे संभव होगी? सत्य कथन हनुमान, अब तुम्हें ही बताना होगा कि किसे शांति दूत बनाकर भेजा जाए। युवराज अंगद ही सर्वश्रेष्ठ शांति दूत सिद्ध होंगे। प्रभु, इनके पिता महाराज बाली रावण के अभिन्न मित्र रह चुके हैं, इसलिए रावण इन पर सीधे आक्रमण या वध करने का प्रयास नहीं करेगा। रावण अवश्य ही युवराज अंगद का संदेश सुनेगा। अवसर तो अच्छा है प्रभु की सेवा करने का, किंतु यदि मैं इस कार्य में असफल हो गया तो प्रभु की दृष्टि में हीन हो जाऊंगा मैं। युवराज अंगद, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी चिंता को, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं, अरिमा, महिमा, गरिमा, लागिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, इशित्व और वाशित्व। मैं उन्हें तुमसे भी बांट लूंगा। मुझे विश्वास है कि उन अष्ट सिद्धियों के होते हुए तुम अपने कार्य में असफल हो ही नहीं सकते। आओ अंगद, हनुमान जी ने मुझ में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत कर दिया है। अब मैं मात्र रावण का ही नहीं, आवश्यकता पड़ी तो इस समस्त लंका का सामना करने के लिए भी तत्पर हूं। उचित है, जाओ युवराज अंगद और शीघ्र ही शुभ समाचार के साथ लौट कर आओ। जो आज्ञा प्रभु, प्रणाम। आशा है अंगद कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न करेंगे। यदि कोई अनहोनी हुई तो मेरे विचार से मुझे भी वहां अंगद के साथ होना चाहिए, किसी भी अनहोनी को घटने से रोकने के लिए। प्रणाम प्रभु। युवराज अंगद की सुरक्षा के लिए मुझे उनके समीप ही रहना होगा, किंतु कोई मेरी उपस्थिति ज्ञात ना कर ले। ये वानर हमारे मध्य, बड़ा ही दुस्साहसी वानर है ये।
ये राक्षस युवराज अंगद को कोई हानि न पहुंचा दे। वध कर दो इस दुष्ट वानर का। ये राक्षस तो आक्रमण करने वाले हैं। बच के जाने ना पाए। इतना बड़ा दुस्साहस मैंने किया। ये प्रभु श्री राम के दूत ने यदि अंगद ऐसे ही उग्र व्यवहार करते रहे तो शांति वार्ता कैसे संभव होगी? युद्ध से पहले शत्रु को सदमार्ग पर लौटने का एक अवसर अवश्य देना चाहिए।